नमस्कार, एक खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनामिका कौशिक। नए साल से पहले कोरोना महामारी एक बार फिर से सभी को डरा रही है। देश में एक्टिव केस का आंकड़ा 4,000 के करीब पहुंच गया है, तो वहीं एक दिन में 7 लोगों की जान भी चली गई है। कोविड के JN.1 सब वेरिएंट के कारण पिछले एक हफ्ते में भारत में भी कोविड इन्फेक्शन की रफ्तार बढ़ी है। एक हफ्ते में ग्लोबल स्थिति में भारत 26वें नंबर से 19वें नंबर पर पहुंच चुका है। भारत में शनिवार को COVID-19 के 743 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,997 हो गई है। भारत में अब तक JN.1 के कुल 162 मामले सामने आए हैं, जिसमें केरल में सबसे अधिक यानी कि 83 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ जनवरी साल 2020 से अब तक भारत में कोरोना वायरस के मामले की कुल संख्या 4,50,12,484 हो गई है, जबकि बीते 24 घंटों में 7 लोगों की जान भी चली गई है, जिसमें से केरल से 3 मरीज शामिल है तो कर्नाटक से 2, छत्तीसगढ़ से और तमिलनाडु से एक एक मरीज की जान चली गई है। बता दें कि विश्व स्तर पर अमेरिका, कुछ यूरोपीय देश, सिंगापुर और चीन से JN.1 के मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब गौर करने वाली बात यह है कि देश में इस साल 19 मई के बाद से एक दिन में सामने आए कोरोना वायरस के संक्रमण के ये सबसे अधिक मामले थे। ठंड और कोरोना वायरस के नए उपस्वरूप के कारण हाल के दिनों में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। साल 2020 की शुरुआत से अब तक लगभग 4 वर्षों में देश भर में कोरोना वायरस से लगभग 4,500 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए तथा 5,00,000 से भी अधिक लोगों की जान चली गई है। तो वहीं अब देश में कोरोना वायरस के सब वेरिएंट JN.1 के अब तक कुल 162 मामले आए हैं। इनमें भी केरल में सबसे अधिक 83 लोग इस उपस्वरूप से संक्रमित है, जबकि 34 मामलों के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर है। गोवा में 18, कर्नाटक में 8, महाराष्ट्र में 7, वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में 4 मामले सामने आए हैं। वहीं गुरुग्राम में अब तक ऐसे कुल 12 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2 लोग संक्रमण से उभर चुके हैं। तो वहीं अब आपको ऐसे में बता दें कि कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट ने बिहार में भी कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। दरअसल शनिवार 30 दिसंबर को कई जिलों में कोरोना के नए मरीज के सामने आने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पटना और मुजफ्फरपुर में आधा दर्जन मामले सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में अब गया में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। गया में 3 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है, जिनकी उम्र 20 साल से भी कम है। तो ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचे और साथ ही साथ समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करना ना भूले। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन खबर पर। नमस्कार।